एपिसोड नंबर 50 50 हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक मायानगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस मायानगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे। संभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सोहां भरद्वाज कौतुक सुनहुं हरि इच्छा बलवान। राम कीन्ह चाहिं सुई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब विरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल पर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीना। शीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठे रमानी केता बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चरा चर राया बहुते दिनन कीन्ही मुनि दाया। चरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरज सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया जेहि नमो अस को जग जाया। बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहिं मोह
विमोह होई मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुम्हाही के करई मनोभव पीरा नारद कहे उसहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना करुणा निधि मन दीख बिचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी पनह मार सेवक हितकारी मुनि कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय करबी मैं सोई तब नारद हरि पद सिरनाई चले हृदय अहमिति अधिकाई श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी ते ही केरी जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार बसही नगर सुन नर नारी जनु बहु मन सिजरति तनु धारी तेहि पुर बसई सील निधि राजा अगणित हय गय सेन समाजा सत सुरेश सम विभव बिलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुख जाय बखानी करई स्वयं वर सो नृप बाला आए तहां अगणित महिपाला कौतुकी नगर तही गयो पूर्वा सिंह सब पूछत भयो सुनी सब चरित भूप ग्रह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए